में डीएनए क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए, क्योंकि हम पहले भी तुम लोग को बताए हैं कि डीएनए चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे प्रोकैरियोटिक में हो या फिर यूकैरियोटिक में हो, बिना उसको पैकेट के फॉर्म में लाके बिना लाए हुए वो वर्क नहीं कर सकता है। मतलब उसका पैकेजिंग बहुत जरूरी होता है ताकि वो अपना फंक्शन को मेंटेन कर पाए या अपना फंक्शन को कर पाए। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो जीन कैरी करता है, जीन उसमें प्रेजेंट होता है और वही जीन जो है एक तरफ करेक्टर को ट्रांसमिट भी करता है और एक तरफ करेक्टर को एक्सप्रेस भी करता है। तो ट्रांसमिट और एक्सप्रेशन दोनों काम है उसका, तो उसके लिए डीएनए को पैकिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग ये दो चीज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए क्या होता है। तो डीएनए को सबसे ज्यादा एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बोला गया है। ऐसा नहीं कि आरएनए को नहीं बोलते हैं, आरएनए का भी बहुत काम है, डीएनए का भी बहुत काम है, बट अल्टीमेटली हम लोग फिर आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि आरएनए से डीएनए कैसे बनाते हैं। तो डीएनए का स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में डीएनए जो होता है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे पॉली न्यूक्लियोटाइड है, तो सबसे फर्स्ट में ये जो न्यूक्लियोटाइड वर्ड है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मेनली थ्री कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा तुम्हारा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाता है पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन कंटेनिंग का यह सुगर प्रेजेंट होता है। पेंटोज सुगर में 2 सुगर है, एक होता है डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है और दूसरा होता है राइबोज। सिंपल, तो इसमें क्या है, तो डीएनए के लिए डीऑक्सी और आरएनए के लिए राइबोज सुगर। तो ये पेंटोज सुगर है और नाइट्रोजन बेस होता है, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये है हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन नाइट्रोजन बेस और अगर सुगर को हम दोनों को एक साथ लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ये ध्यान रहना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड सब कुछ आता है। नॉर्मली डीएनए आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग को डीएनए का कंपोनेंट के बारे में जानना पड़ेगा। तो डीएनए का कंपोनेंट जो है मेनली होता है न्यूक्लियोटाइड, जो कि हमारा 3 कंपोनेंट से बनता है। और दूसरा क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन बेस से पेंटोज सुगर हो जाए, तो पेंटोज सुगर कनेक्ट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। पिछले कल भी ये हम बनाए थे। ठीक है, नाइट्रोजन बेस में फिर 2 है, एक है प्यूरीन और एक होता है पाइरामिडीन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि प्यूरीन क्यों बोलते हैं, ध्यान देना इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर में ही जो है भी है डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट में पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन बेस और तो फॉस्फेट में हम कल बताए थे कि PO4- एंड PO3- के फॉर्म में फॉस्फेट जो है वो बॉडी इनटेक करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नाइट्रोजन बेस में। नाइट्रोजन बेस में 2 चीज हम बता रहे हैं तुम्हारा, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरामिडीन। तो ध्यान देना, प्यूरीन हमेशा इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। 11th में तुम लोग पढ़े होगे बायोमोलिक्यूल्स में, तो डबल रिंग उसमें आता है। और दूसरा है पाइरामिडीन। क्या है? पाइरामिडीन। ठीक है, तो पाइरामिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब इसी में जब हम प्यूरीन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्यूरीन के बारे में, तो प्यूरीन में 2 है, एडिनिन एंड क्या हो जाएगा, एडिनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, एडिनिन एंड ग्वानिन। और पाइरामिडीन में क्या हो जाएगा, पाइरामिडीन में क्या हो जाएगा, ठीक है, थायमीन एंड साइटोसिन। बट ये, हाँ, बट ये डीएनए के केस में होता है, लेकिन पाइरामिडीन में एक और है यूरासिल। ध्यान से समझना, यूरासिल जो होता है, जो आरएनए में होता है, जो थायमीन को रिप्लेस करके मतलब वहां पे वो मतलब बॉन्ड बनाता है। और इसका ये जो है, ये यूरासिल जो है, ये हमेशा आरएनए के केस में होगा, और आरएनए में थायमिन ना होके यूरासिल होता है। ये हम लोग नाइट्रोजन बेस पढ़ लिए। ठीक है, पेंटोज सुगर में
डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज दो है, तो इसमें ध्यान देना हम एक फिगर यहाँ पे बना रहे हैं पेंटोज शुगर का, ठीक है। देखो इस तरह से बनता है, ये तुम्हारा हो गया पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। अब पिछला क्लास में हम तुम लोग को न्यूक्लियोटाइड जब चेन बना के दिखाए थे, तो वहां पे कहीं पे 3' और कहीं पे हम लोग क्या दिए हैं कि 5'। तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा इसमें जो जब हम लोग इसको बनाएंगे, आई मीन फिगर जब बनाएंगे, जब न्यूक्लियोटाइड बना देंगे उस टाइम पे ये कैसे होगा, तो ध्यान देना कि पहला 1, 2, 3, 4 एंड 5 ध्यान से सुनना यहाँ पे, क्योंकि 3' एंड 5', ठीक है, 3' एंड 5' बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3' से अगला फॉस्फेट क्या होता है कनेक्ट होता है, और 5' से अगला फॉस्फेट क्या होता है, 3' से अगला शुगर कनेक्ट होता है, और 5' पे ऐसा वो होता है। कहने का मतलब देखो, जब यहाँ 5' है यहाँ 3', यहाँ से अगला शुगर कनेक्ट होगा, यहाँ से अगला फॉस्फेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज होता है। तो ये है तुम्हारा नाइट्रोजन, सॉरी पेंटोज शुगर, और इसके साथ में ये होगा नाइट्रोजन बेस कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग इसी में पढ़ते हैं, आई मीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, ये न्यूक्लियोटाइड का शुगर और इससे कनेक्ट हुआ फॉस्फोरस, और इससे कनेक्ट क्या होगा नाइट्रोजन बेस हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग इसको नोट करो, यहां तक नोट करो, ठीक है, उसके बाद हम एक अच्छा सा फिगर बनाएंगे इसमें कनेक्ट करके, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, डीएनए को हो गया सर, हो गया कनेक्ट, नोट कर लिए, ठीक है, चलो और कर लिए हो ना जो भी हो, यस सर, कर लिए, हम कर लिए सर, समझ रहे ना सुनिधि, यस सर, हाँ ठीक है, इसको नोट करते रहना, पिछले क्लास में थोड़ा सा हम लेक्चर दिए थे, तो जो भी क्लास दिए थे उसमें हम उतना नहीं बताए थे, तो हम आज शुरू से इसको बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो हम जो स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड हम लोग समझे थे पिछला क्लास में, बॉन्ड के साथ साथ में जो एंटी पैरेलल है, क्योंकि वाटसन एंड क्रिक मॉडल में एंटी पैरेलल उसका डायरेक्शन में वो अरेंज है कैसे वो देखेंगे, ये एनसीईआरटी में है इसलिए बता रहे हैं इसमें। तो सबसे फर्स्ट में अगर हम शुगर बनाते हैं, सबसे पहले हम शुगर बना देते हैं, ठीक है, तो शुगर में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये पांचवा, यहाँ जो कार्बन है 5 नंबर कार्बन, यहाँ पे क्या जुड़ता है फॉस्फोरस, देखो यहाँ कनेक्ट हो गया, और यहाँ से कनेक्ट हो रहा है क्या नाइट्रोजन बेस, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो तीसरा है यहाँ से, यहाँ से फिर ये फॉस्फोरस, और फिर ये कार्बन का जो नेक्स्ट जाएगा, ये ध्यान देना, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पे होगा नाइट्रोजन बेस, और यहाँ से कनेक्ट होगा क्या, यहाँ से कनेक्ट होगा फॉस्फोरस, ये है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो जब यहां से देखो, यहां ध्यान देना, यहाँ फॉस्फोरस कनेक्ट है और यहाँ से टर्मिनल में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे OH कनेक्ट होगा, तो सबसे फर्स्ट में ये 5 फिफ्थ पोजीशन पे है, इसको हम लोग 5' बोलते हैं, और ये 3 पोजीशन पे है, इसको 3' बोलेंगे, ठीक है। और जब एंटी पैरेलल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेस इधर भी कनेक्ट होगा, एक लाइन इधर भी बनेगा, तो यहाँ पे वो एंटी पैरेलल होता है, इधर 5' का टर्मिनल जाएगा और इधर 3' का टर्मिनल जाएगा। तो देखो यहाँ जब
यहाँ जब हम देखते हैं तो ये लास्ट वाला जो थ्री डैश, क्योंकि ये थ्री नंबर है ना, तो थ्री डैश को बोल रहे हैं, तो ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है, जो कि ये कनेक्ट करता है, एक टर्मिनल पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्मिनल है और एक पे फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये इस तरह का चेन रिएक्शन हम बहुत बड़ा सा चेन रिएक्शन बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और एक डीएनए में, मतलब एक बार डीएनए सेगमेंट पूरा बनेगा तो वो कम से कम 2.2 मीटर का होता है, कैसे वो समझेंगे मॉडल में। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया इसको स्ट्रक्चर। थर्ड वाले से कौन, क्या सर थर्ड वाले से क्या कनेक्टेड है सर? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो नहीं सर, सर फर्स्ट पेंटोस शुगर है ना, उसमें थर्ड नंबर पे फॉस्फेट ही है, फॉस्फेट है इसका, फॉस्फेट है, और यहाँ पे तुम्हारा ये कार्बन है। देखो पहला से पांचवा नंबर पे फॉस्फेट, और तीसरा नंबर पे फॉस्फेट से नेक्स्ट शुगर, ठीक है, और इसका पांचवा, ये पांच नंबर हो गया, ये पांच नंबर हो गया, ये पांच नंबर कार्बन हो गया, ये पांच नंबर कार्बन हो गया, ठीक है। तो इसमें है फाइव नंबर पे फॉस्फेट और थ्री नंबर पे अगला नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है वो, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो कनेक्ट, हाँ नेक्स्ट इस तरह होते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम बॉन्ड बताए थे, ध्यान रखना कि नाइट्रोजन बेस के साथ, ठीक है, जो कनेक्ट होगा, नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से कनेक्ट होगा ही ना, नाइट्रोजन बेस हम लोग जैसे मान लो एडनीन ले लिए और थायमिन ले लिए, तो यहाँ जो कनेक्ट हो रहा है इसके लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कैसे, तो यहाँ पे हम अलग से लिख रहे हैं, एडनीन से थायमिन डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन से साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, अगर फॉस्फेट से शुगर अगर कनेक्ट होता है, फॉस्फेट से अगर शुगर कनेक्ट होता है, ये जोड़ रहे हैं हम इसको, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड जाएगा बताओ, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को कनेक्ट करे, जोड़ दे, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और ये इसी तरह से काम करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो एक जो है तुम्हारा फॉस्फेट से शुगर है, तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर एंड शुगर से नाइट्रोजन बेस, वहां पे एन ग्लाइकोसिडिक एंड नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक चेन बन नहीं सकता है, ठीक है। अब देखो जब हम ये तो डीएनए क्या है समझ गए, डीएनए का स्ट्रक्चर जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, कौन फॉस्फेट कहाँ कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें कुछ साइलेंट फीचर भी है, वो एनसीईआरटी में देखना है, वो पेज नंबर हम देख लेते हैं, 97 पेज नंबर में साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा है, समझ लो उसमें क्या, तो सबसे फर्स्ट में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो कौन दिए थे, तो वो दिए थे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं उसको, ठीक है। और वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जब वो वॉटसन क्रिक जो है, ये दोनों साइंटिस्ट ये डबल हेलिक्स को कैसे दिए थे, कि ये बोले थे कि जो नाइट्रोजन बेस पेयर है और फॉस्फेट शुगर है, या फिर हम लोग उस पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो राइट हैंडेडली, मतलब वो मुड़ा हुआ है। सपोज दैट मान लो कि ये दो, एक हम दो मतलब लाइन ले रहे हैं, और इसमें सिंपल है, जैसे सीढ़ी को देखते हैं ना, सीढ़ी को देख लो, यही है, तो ये डीएनए है। अब इसको तुम राइट हैंडेडली ट्विस्ट करो, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा आएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर में आएगा, कैसा आएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर में। और हर एक टर्न पे बेस पेयर, हर एक टर्न में अलग अलग, जैसे जो बेस पेयर होगा, और हर एक टर्न में, एक टर्न में पता है 10 बेस पेयर प्रेजेंट होता है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होता है। ये वॉटसन एंड ग्रिक का मॉडल था। तो हम क्या बताएं, वॉटसन एंड ग्रिक जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिए थे वो राइट हैंडेडली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर दिए थे, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बोला जाता है, या बी डीएनए जिसको बैलेंस डीएनए बोलते हैं। और दूसरा, वन टर्न में वो 10 बेस पेयर है, और अगर इसका हम मेजरिंग करेंगे तो कितना एंगस्ट्रम हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम, समझ में आ रहा है। ये सब चीज इसमें तुम्हारा दिखेगा, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वॉटसन क्रिक में दिख जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखो, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में इसमें जो अरेंजमेंट है वो हम पहले बताएं तो सारा इसी में आएगा, कोई अलग से इसका कुछ है नहीं, सारा वाटसन पिक मॉडल में ही आएगा कि कौन किसके साथ कनेक्ट है, कौन किसके साथ अटैच्ड होता है। समझ में आ गया वाटसन पिक मॉडल? किसी को दिक्कत है बताओ, बोलो बोलो। नहीं है सर दिक्कत है ना, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, नॉर्मल उसमें एक साइलेंट फीचर में एक चीज दिया हुआ है कि जो न्यूक्लियोटाइड चेन है ये एक बैकबोन बनाता है जो कि सुगर फॉस्फेट बॉन्ड का, सुगर फॉस्फेट मॉलिकल का बैकबोन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता भी है कि डीएनए के बनाने में जो बैकबोन, आई मीन जो बैकबोन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है वो किस बॉन्ड के कारण था, किसके कारण होता, तो वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन बॉन्ड बोलते हैं उसको, जिसके कारण ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है हम लोग। इसका 3D भी स्ट्रक्चर देखा गया है, उसका हम स्टडी किया गया, वाटसन क्रिक जो है वो सारा इसका स्टडी किए, ठीक है। इसमें ये चीज है और उसी में ये बताए हैं कि ये जो बेस पेयर है ये कैसे कहाँ कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है, कैसे इससे बॉन्ड कौन सा कनेक्ट होता है, जो सारा जो है वो वाटसन क्रिक मॉडल में आएगा तुम्हारा। समझ में आ गया इसमें? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है। एक चीज और है जो एंगस्ट्रम वगैरह है, आई मीन जो डाटा है, जैसे बोले 34 एंगस्ट्रम वगैरह, ठीक है, ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको तुम एक बार रीड करना, तुमको सब समझ में आएगा। अगर इसका 34 एंगस्ट्रम नहीं तो कहीं कहीं 34 nm भी रहता है, ठीक है, ये सारा एनसीईआरटी में सब में है वो मॉडल में, तो ये सब तुम उसमें देख सकते हो, पढ़ लेना एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ सकते हो। समझ में आया यहाँ तक इसका मॉडल? किसी कोई दिक्कत है? यस सर, समझ गए ना। चलो अब हम लोग इसका जो मेन है, क्योंकि इसको नोट करना है, सुनिधि नोट कर लिए? यस सर, कर लिए। ठीक है, अब हम लोग को इसका जो है पैकेजिंग देखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बताए थे कि डीएनए जो है वो बिना पैकिंग के अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोल सकते, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसको डीएनए को पैकिंग करने के लिए जो प्रोटीन हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का भी एक डिफिनेशन आएगा, वो कैसे होता है, क्या होता है, समझ जाना, समझोगे, ठीक है। एक और चीज है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल में जो नाइट्रोजन बेस का जो अरेंजमेंट है या फिर जो बाउंडिंग है, उसी में उस चीज को देने का काम क्या था, चारगफ, जिसको हम लोग चारगफ रूल बोलते हैं, ठीक है, चारगफ रूल बोला जाता है, जिसमें लिखा गया था कि जो भी नाइट्रोजन बेस पेयर है, जिसमें हम लोग प्यूरीन लेते हैं एंड पायरामिडीन लेते हैं, जब ये दोनों कनेक्ट होता है तो ये इक्वली रेशियो में कनेक्ट होगा, इक्वली रेशियो में कनेक्ट होगा। मान लो एडनीन एंड थायमीन, 40% एडनीन है तो थायमीन भी 40% ही होगा, तो इसको चारगफ रूल बोलते हैं, इज इक्वल टू बोला जाता है प्यूरीन एंड पायरामिडीन के बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है, जिसमें एडनीन, ग्वानीन, साइटोसिन एंड थायमीन जो तुम लोग को पढ़ा चुके हैं वो सारा चारगफ रूल के कॉन्सेप्ट में था। चारगफ रूल बस एक ही चीज बताए थे कि जो बॉन्डिंग है नाइट्रोजन बेस पेयर प्यूरीन एंड पायरामिडीन के बीच में, उसके लिए वो इक्वल रेशियो में होना चाहिए, या ऐसे भी लिख सकता है कि एडनीन से थायमीन जब कनेक्ट हुआ इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका भी रेशियो सेम, इसका भी रेशियो सेम होता है, ठीक है, ये सब चीज ध्यान देना। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बताएं? तो सबसे फर्स्ट में जब हम पैकेजिंग का बात करते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, तो दो मेरे पास दो टाइप का सेल होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो तुम लोग पढ़े होंगे कि जब प्रोकैरियोटिक सेल तुम लोग पढ़े थे तो उसमें लिखा रहता है डीएनए, क्या लिखा रहता है, नेकेड। तो डीएनए नेकेड का मतलब क्या, कि यहाँ पे वो जिस चीज से बाइंड करता है वो विदाउट हिस्टोन
प्रोटीन होता है, इसीलिए उसका नाम डीएनए नेकेड रखा है। अब यहाँ पे डीएनए अगर हम पैक्ड लिखते हैं, डीएनए अगर हम पैक्ड लिखेंगे मतलब ये जो पैकिंग हुआ है या बाइंड हुआ है विथ हिस्टोन प्रोटीन, इसके बारे में डिटेल अभी स्टडी करना है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, न्यूक्लियोसोम है, 8 ऑक्टामर है, इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल एस्टेरिया कोलाई को हम लोग नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एस्टेरिया कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि सारा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, वो सिंपल है। तो डीएनए नेकेड, अब एक चीज बताओ, डीएनए का कुछ करेक्टरिस्टिक्स अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहला डीएनए इज अ निगेटिव मटेरियल, निगेटिव चार्ज मटेरियल होता है, ये निगेटिव चार्ज करता है। ठीक है, तो जब मान लो ये इसका डीएनए है, ठीक है, ये इस तरह से स्कैटर्ड है, अब यहाँ पे लिख रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन से ये कनेक्ट नहीं है, तो भाई कनेक्ट किससे है, कौन उसको पैक करने का काम करेगा, क्योंकि जब तक पैकिंग नहीं हुआ तब तक वो काम नहीं कर सकता है। तो ध्यान देना यहाँ कोई दूसरा ही प्रोटीन होता है, उसका नाम नहीं है, बस एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, जो प्रोटीन इज अ ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, तो इसको वो बाइंड करके रखता है। सपोज मान लो ये डीएनए है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक में तो स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ रहता है, और इसको बीच में कोई प्रोटीन से ये बाइंड कर दिया, तो ये जो निगेटिव चार्ज है डीएनए, ये डीएनए है, ये निगेटिव चार्ज है, और प्रोटीन जो था पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल है। इसका चार्ज इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब तक निगेटिव पॉजिटिव नहीं मिलेगा तब तक वो बाइंड नहीं करेगा, तो प्रोटीन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पर ध्यान देना। तो डीएनए एंड डीएनए प्रोटीन, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, ठीक है, वो एक अलग प्रोटीन है, उसका नाम नहीं है, ठीक है, बस वो प्रोटीन लिखा है कि हाँ ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन से ये बाइंड करता है, जिसको हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं न्यूक्लियाइड। हम लोग पढ़ा होगा कि मोनेरा का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं, और उसमें हम लोग क्रोमोजोम नाम दिए हैं। कैसे, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन है इसलिए उसका नाम क्रोमोजोम है, कैसे समझाते हैं। ठीक है, इस चीज को समझे पहले बताओ कि डीएनए निगेटिव चार्ज है, एक इसमें अलग से प्रोटीन होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसको ये अल्टीमेटली बस ये पैकिंग करके रखता है, इसमें हिस्टोन जो प्रोटीन है वो नहीं पैकिंग कर पाता है, इसमें कोई अलग प्रोटीन करता है, ये दोनों, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसे कंबाइनिंग फॉर्म हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एनसीईआरटी का लाइन भी है, इसको ध्यान से पढ़ना, समझ में आ गया। ठीक है, एक और चीज समझ लो कि प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए का पैकिंग है, कभी कभी कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि पॉलीअमाइंस, पॉलीअमाइंस एक मॉलिक्यूल है, पॉलीअमाइन, ठीक है, जो कि इसको पैकिंग करके रखता है, तो वो भी सही है, क्योंकि प्रोटीन बनने में कम से कम चाहिए 20 अमीनो एसिड या 22 अमीनो एसिड, जब पॉलीअमाइन बन रहा है तो हो सकता है वो 18 अमीनो एसिड एक साथ कनेक्ट है, 17 अमीनो एसिड एक साथ कनेक्ट है, बट वो प्रोटीन नहीं बना पाया, तो कहीं कहीं पे अगर पॉलीअमाइन भी लिखता है कि पॉलीअमाइन से उसको हम लोग डीएनए प्रोकैरियोटिक में देखा गया कि पॉलीअमाइन उसको मतलब रैक्टिंग करता है या पैकेजिंग करता है, तो वो भी गलत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोटीन ही लिखा हुआ है, तो वहां प्रोटीन हम लेंगे, प्रोटीन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, और ये निगेटिव पॉजिटिव बन के एक ये कंबाइनली फॉर्म क्या बनाता है, न्यूक्लियोइड बनाता है, इसलिए हम लोग प्रोकैरियोटिक के जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड भी नाम दिए हैं। ठीक है, इसको समझ गए, ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक में, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान देना, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर वगैरह आएगा, नहीं समझ में सीधा बोलना सर, नहीं समझ में समझाइए। ठीक है, देखो छोटा सा चीज है, कोशिश कर रहे हैं एकदम सिंपल वे में समझाने का। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग यूकैरियोटिक में जब हम डीएनए की बात करते हैं, ठीक है, तो डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक फिगर देखना इस तरह का दिया, उसी के बेस पे हम तुम लोग को करा रहे हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से पैकिंग होता है, देखो एक पैकिंग तुम्हारा दिया होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पैकिंग है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अंदर जो सर्कल वाला चीज है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन,
ठीक है, और जो बाहर से रैपिंग है इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। अभी तुमको एक चीज बताए कि डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज और प्रोटीन इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे डीएनए जो पैकिंग होता है इन यूकैरियोटिक सेल में उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सॉरी, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पैकिंग करता है उस प्रोटीन का नाम दिया गया है हिस्टोन प्रोटीन, एंड और डीएनए जो है डीएनए का जो पैकिंग करने वाला प्रोटीन है वो है हिस्टोन प्रोटीन। अब थोड़ा हिस्टोन के बारे में समझ लो, ये है क्या हिस्टोन प्रोटीन। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज होता है, साथ में ये एसिडिक भी है, ठीक है, ये एसिडिक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो हिस्टोन प्रोटीन जो बनता है वो फोर कंपोनेंट से बनता है, फोर कंपोनेंट से बनता है, ठीक है। फोर कंपोनेंट में क्या है, इसका नाम ही नहीं है, H1 करके है कुछ, एक सेकंड। H1 करके कुछ है जो हमको याद नहीं आ रहा, हम देख लेते। हाँ देखो, फोर कंपोनेंट में H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। एक्चुअली जो हिस्टोन प्रोटीन है वो फाइव टाइप का कंपोनेंट से बनता है, एक H1A है। देखो ध्यान दो यहाँ पे समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑक्टामर कैसे बन रहा है समझो। H1 को छोड़ दो, ठीक है, H1 अलग चीज है, ये भी H1 हिस्टोन ही है बट अलग है, बट क्या है समझाएंगे। H2A समझ रहे हो, H2B, H3 और H4, ठीक है। तो सपोज दैट मान लो ये क्या है हिस्टोन प्रोटीन, और एक मॉलिक्यूल H2A, एक मॉलिक्यूल H2B, एक मॉलिक्यूल H3, एक मॉलिक्यूल H4, और यही जब बनता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टामर। क्या बोलते हैं, ऑक्टामर। तुम्हारे सामने एक सवाल हो रहा है कि सर चार ही कंपोनेंट है तो हम इसको क्यों हम ऑक्टा लिख रहे हैं, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, आठ होता है ना आठ, तो क्यों हम इसको ऑक्टा लिख रहे हैं। तो ध्यान देना, ये जो भी कंपोनेंट है ये सिंगल नहीं रहता है, ये डाइमर में रहता है। किसमें रहता है, डाइमर में। मतलब सोचो H2A का कितना मॉलिक्यूल, 2, H2B का 2, H3 का 2 और H4 का 2, हो गया 8, समझ गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टामर। तो अल्टीमेटली जब ये डाइमर एक बनेगा कंबाइंड होके, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। समझ आया, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H1 जो सर, हम बताते हैं, वो बता देंगे, वो इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, इसको समझ गया, इसको छोड़ दो, ये भी हिस्टोन है, बताते हैं क्या करता है, ये समझ गया तुम सुनिधि? यस सर। सुनिधि? यस सर, समझ गए। समझ, देखो बाबू कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि पैकेजिंग ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल में बहुत कुछ निश्चय रहेगा, ठीक है। तो कम से कम जो नहीं समझ में आएगा सीधा बोलना सर, फिर से समझाइए। हम क्या बताए तुमको, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना कि हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटीन है तो पॉजिटिव है, ये प्रोकैरियोटिक में हम बताए एसिडिक होता है। दूसरा नेक्स्ट है, ये चार कंपोनेंट से बना है, बट ये चार कंपोनेंट मतलब क्या, ये प्रोटीन है, ये चार नहीं है, टोटल पांच है, बट आउट ऑफ फाइव फोर जो कंपोनेंट होता है वो हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली में बनाता है। बट एक H1 का क्या काम है, क्योंकि ये भी तो है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये ऑक्टामर बनाया। अब जब तुम ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें एक इस तरह का स्ट्रिंग है, एक तरह का स्ट्रिंग दिखेगा तुमको, ये फिगर में भी है शायद एनसीईआरटी में, एक सेकंड, एनसीईआरटी में भी है, अगर एनसीईआरटी बुक है तो सामने लेके बैठो, देखो पेज नंबर है 99, देखो वहां पे पेज एनसीईआरटी सामने है किसी का, या है तो देखना वहां पे कि
इस दोनों को, ठीक है, इस दोनों को, क्योंकि हम बीच में बना दिए साइड में, इस दोनों को कनेक्ट करता है, एक प्रोटीन कनेक्ट करता है, तो ये H1 प्रोटीन है। क्या है? H1 प्रोटीन। और ये बीच वाला क्या हो गया, इस तरह का अगर हम बना दिए तो ये बीच वाला हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, और इसको कनेक्ट किया H1 प्रोटीन, जो कि H1 प्रोटीन जो होता है ये भी प्रोटीन है, और ये जो रैपिंग है वो DNA है। मतलब यहाँ फ्रेस हम बना रहे हैं, ये हमारा ऑक्टामर है और ये हमारा DNA हो गया, और इसको भी फिर इसको भी ज्वाइंट एक प्रोटीन करता है, दोनों को ज्वाइन एक प्रोटीन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं H1 प्रोटीन। तो पांचवा प्रोटीन वो बाहर से इसको पैकिंग कर रहा है और ये अंदर से पैकिंग हो रहा है। बोलो अब कोई दिक्कत? H1 प्रोटीन सर एक ही साइड से रह गया, दोनों साइड से, एक ही साइड से होगा। फिगर में देखोगे तो बहुत अच्छा दिख जाएगा, H1 हिस्टोन ही हिस्टोन प्रोटीन है एनसीईआरटी में, तो हिस्टोन प्रोटीन याद रखना, क्योंकि ये पांच टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है, तो चार जो है वो ऑक्टामर बना दिया, ठीक है, मतलब हिस्टोन जो प्रोटीन बना वो ऑक्टामर है, वो चार आठ मॉलिक्यूलर प्रोटीन से मिलकर बन रहा है हिस्टोन, तो हिस्टोन ऑक्टामर बोले, ठीक है। और फिर ये बाहर से कनेक्ट है, ये दोनों ये जो थ्रेड है उसको कनेक्ट कर रहा है, इसको H1 हिस्टोन प्रोटीन बोल रहे हैं। समझ में आया? Yes, बोलो समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब जब पैकेजिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पैकेजिंग में एक DNA के जब पैकिंग करता है एक हिस्टोन प्रोटीन जो ऑक्टामर बनाता है, वो कम से कम 200 बेस पेयर को पैकिंग करता है, जिसको हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किसको बोले समझो, ठीक है, ये हमारा क्या कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, ये DNA है, तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोल दिए, न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम में एक साथ 20 बेस पेयर को वो राउंड अप या पैकिंग करने का काम करता है। समझ में आया? फिर से बोल सकते हो? समझ में आया कुछ दिक्कत? थोड़ा वो सर पेस, देखो ठीक है देखो, जैसे मान लो ये एक सर्कल है DNA, ठीक है, इसके चारों बगल, सॉरी सर्कल है, हाँ ये जो सर्कल है वो हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके चारों बगल क्या है, DNA का रैपिंग, ठीक है। तो एक हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है, जो DNA को रैप करता है, क्योंकि DNA में बेस पेयर होता है, तो कम से कम एक हिस्टोन ऑक्टामर 20 बेस पेयर को पैकिंग कर देता है, वो समझ में आया, 200 बेस पेयर सेगमेंट को पैक कर देता है, जिसको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अगर तुमसे पूछ दिया गया कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, तो तुम लिख सकते हो 20 बेस पेयर ऑफ DNA सेगमेंट रैप्ड विथ या पैकिंग विथ हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत? यस सर, समझ में आ गया ना? सुनिधि समझे? सुनिधि यस सर, समझ समझ गया ना? समझ गया, ठीक है, इसको नोट करो, ये थोड़ा रफ हो गया बट समझाए हैं तो ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है। तुम लोग को हर एक चीज NCERT के लाइन में मिलेगा, उसको आराम से पॉइंट वाइज नोट बना सकते हो, और जो जो समझा रहे हैं सब कुछ मिलेगा, एक भी चीज नहीं छूटा है, ठीक है, अगर कुछ वैसा छूटता है हमको बता देना, बट नहीं छूटा है, हमको जहां तक याद है 99% जो है कॉन्सेप्ट हम दे दिए, ठीक है, हम इसके और आगे कुछ बताने वाले, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको याद रखना, ये डाइमर है, इसके यहाँ पे दो लिखे हैं, ठीक है, नोट करो। नोट हो गया सर? हो गया, चलो उसका मेरा हो गया नोट। यस सर, हो गया नोट, हो गया ना? चलो तुम लोग कोशिश करो ना कि NCERT बुक अगर है तो सामने रखो ना, और अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो, है सर बुक, ये जो न्यूक्लियो है ना, चलो ठीक है, तो अच्छा बात है, न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। अब यही न्यूक्लियोसोम देखो, समझना, ये न्यूक्लियोसोम जैसे मान लो एक ऑक्टामर है, ठीक है, और ये फिर थ्रेड से कनेक्ट है, सपोज दैट मान लो
ये डीएनए है, ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोनोक्टामर, यहाँ पे हिस्टोनोक्टामर, यहाँ पे हिस्टोनोक्टामर, यहाँ पे हिस्टोनोक्टामर, यही कम्प्लीटली एक थ्रेडिंग बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटीन। क्या बोलते हैं? क्रोमाटीन, ठीक है। अब ये जब, हाँ, क्रोमाटीन बोलते हैं। जब भी हम इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो ये जो क्रोमाटीन्स है ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखेगा। बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहने का मतलब एक ये हो गया एक सिंगल थ्रेड और इस तरह का गोल गोल, हाँ इस तरह का गोल गोल माला जैसे वो दिखता है। तो ये गोल गोल क्या है? ये हिस्टोनोक्टामर है और ये डीएनए का क्या है? ये चेन है और ये हिस्टोनोक्टामर से कॉइल है। इसी को हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, समझ में आया। और यही अल्टीमेटली क्रोमाटीन जो होता है, जब ये कंडेंस होगा तो क्रोमाटीन भी दो टाइप का है। अगर मान लिया जाए ये सपोज दैट ये थ्रेडिंग दिखा, ये हमारा क्रोमाटीन, इसको तुम पूरा कंडेंस कर दो तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमाटीन। क्या बोले? हेट्रोक्रोमाटीन। क्या बोले? फिर से बोलो। हेट्रोक्रोमाटीन। हम कहने का मतलब कि अगर ये एक सिंगल थ्रेड लाइक है जिसको क्रोमाटीन हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग बनाता है, एक थ्रेड लाइक है, और अगर इसको हम डेंसली पैक्ड कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमाटीन। क्योंकि स्टेनिंग, क्रोमा का मतलब होता है स्टेन करना, तो स्टेन ही करके इसको क्रोमोसोम को हम लोग देखते भी हैं और स्टेन करके वो थ्रेडिंग भी होता है। तो जब ये कंडेंस हो जाएगा, डेंस फॉर्म में रहेगा, तो दिस इज ए हेट्रोक्रोमाटीन। और सपोज दैट मान लो ये अलग अलग हो गया, ये तीनों अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यू क्रोमाटीन। क्या बोलते हैं? यू क्रोमाटीन। समझ में आया? क्रोमाटीन का दो, हाँ दो, क्रोमाटीन एक थ्रेड लाइक दिख रहा है, अगर ये डेंसली पैक्ड है तो इसको हेट्रोक्रोमाटीन, और अगर ये लूजली पैक्ड है जिसको हम लाइट बोलते हैं, लाइट कलर में बोलते हैं, वो यूक्रोमेटिन, और जो डेंसली पैक्ड है जिसको हम डार्क बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब एक और चीज है, यहाँ क्रोमेटिन बन गया तो क्रोमेटिन क्रोमोजोम कैसे बनता है? ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड बना लिए तो हम लोग को क्रोमोजोम कैसे वहां पे बनता है? ठीक है, तो क्रोमोजोम जो है वो एक तरह का क्या है कि कंडेंस फॉर्म है। हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमाटीन थ्रेड कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनता है। तो यहाँ पे चीज ध्यान देना कि दो तरह का हम लोग क्रोमाटीन पढ़े, एक कंडेंसिंग फॉर्म और एक पढ़े मतलब लूजली, आई मीन लूजली पैक्ड, या फिर बोल सकते हैं लूजली वो अरेंज होगा, तो डेंसली अगर होगा तो वो हो जाएगा हेट्रो, और लूजली होगा तो यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो यहाँ क्रोमोजोम बनता कैसे? तो जब ये जैसे बहुत सारा, सपोज दैट कि एक थ्रेड यहाँ भी मिल गया, यहाँ ये बहुत सारा थ्रेड है, सबको हम लोग कंडेंस करना है, सपोज दैट ये मान लो सबको कंडेंस करना है, तो कंडेंस करने के लिए भी पैकिंग करना पड़ेगा, आई मीन इसको सबको साथ लाना है, क्योंकि मेटाफेज में, ये सेल डिवीजन के मेटाफेज में ये क्या होता है, क्रोमोसोम एक साथ आता है, वहां क्लियरली और विजिबल होता है, ठीक है। तो मेटाफेज में, हाँ, मेटाफेज स्टेज में ये कंडेंस होता है, तो मेटाफेज स्टेज में जब ये कंडेंस होगा तो कंडेंस के लिए भी इसको कंडेंसिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मॉलिक्यूलर है तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल हमको चाहिए इसमें। तो नॉर्मली डीएनए में हम लोग जब कंडेंस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमको प्रोटीन चाहिए था, तो यहाँ भी जब क्रोमेटीन को कंडेंस करेंगे तो क्रोमोजोम जो बनता है, तो यहाँ भी क्रोमोजोम के लिए, आई मीन क्रोमेटीन को कंडेंस करने के लिए जो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होगा, तो क्रोमेटीन को कंडेंस करने के लिए हमको चाहिए प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन। बट यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ये भी है एनएचसी बोला जाता है। जब एनएचसी से ये जब पैक्ड होता है तो यही अल्टीमेटली क्रोमोसोम का फॉर्म करता है, ठीक है। यही है, समझ में आया? यस सर, ठीक है। ये तुम्हारे पैकेजिंग ऑफ सेल है। यूकेरियोटिक में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत इसको ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी में हर एक लाइन को हम एक्सप्लेन किए हैं। कुछ भी अगर दिक्कत होगा
देखो कुछ चीज है जो नहीं होगा वो ये वाला पार्ट नहीं होगा एच वन वगैरह, तो इसको नोट कर लेना वहां पे, ठीक है, तो तुमको अच्छे समझ में आएगा। अब बाकी बात फिगर में तुम्हारा एच वन हिस्टोन दिया हुआ, हम देख रहे हैं पेज नंबर 99 पेज में एच वन हिस्टोन और हिस्टोन ऑक्टामर दोनों के बारे में लिखा है, बट इसके बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम जो बताया यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन वो सब कुछ तुमको दिखेगा। एक और सर एनएचसी सर कंडेंस करने का काम करता है क्रोमेटिन को। मान लो ये मेरा एक स्ट्रिंग क्रोमेटिन है, दो स्ट्रिंग है, तीन स्ट्रिंग है, ये तीनों कंडेंस होगा क्रोमेटिन। हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम। सर वीडियो पॉज हो गया। हेलो yes, हाँ समझ गया ना, वीडियो रुक गया था आपका, वीडियो रुक गया। अच्छा ठीक है, नेट वगैरह तो ठीक है ना जी, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ गया, कोई दिक्कत? पैकेजिंग समझ गया पूरा पूरी तरीके से यूकेरियोटिक में? यस ठीक है। इसको नाम याद रखना, ये बोलने वाला थोड़ा चीज है, एच वन एच टू ए एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर, ठीक है। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि डाइमर के फॉर्म में रहता है, अगर डाइमर नहीं हुआ तो एट कैसे पूरा आएगा, तो ये डाइमर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, कुछ कुछ चीज है जो तुम लोग को हम नहीं इसमें बताए हैं, वो है तुम्हारा स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। स्ट्रक्चर में जैसे दिया मतलब डीएनए में जैसे मान लो बैक्टीरियोफाज कितना न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है, थोड़ा सा उसको पढ़ के नोट कर लेना, ठीक है। उसमें कुछ किस ऑर्गेनिज्म में कितना डीएनए का लेंथ है, क्या है, वो सब है स्टार्टिंग में, मतलब 11th में था सर ये सब, 11th में था ये, हाँ 11th में भी होगा, 12th में तुमको मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में मिलेगा, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे तुम्हारा बस देखो जैसे बस उसमें दिया है कि कौन से स्पेसिस में कितना न्यूक्लियोटाइड चेन है, बस यही उसमें है। तो वो जैसे अल्फा है, फिर तुम्हारा बैक्टीरियोफाज में कितना था, इस तरह का दिया, तो वो डाटा हम नहीं लिखे हैं, तो वो तुम पढ़ लेना एक बार, पढ़ के देखना, उसमें कुछ है ही नहीं, बस उसको याद करना, एक चार्ट बना लेना, इधर स्पीसीज और इधर डीएनए का सेगमेंट, ठीक है, वो पहला ही मिल जाएगा तुमको, ठीक है, तो उसको पढ़ सकते हो। ऐसे पेज नंबर बताते हैं 96 का एनसीईआरटी का 96 द डीएनए जो टॉपिक है उसी का, वो जो पैराग्राफ है द डीएनए, बस उसको पढ़ लेना, स्ट्रक्चर तो के बाद हम जो स्टार्ट किए तुम लोग पढ़ाना, ठीक है, तो उसमें सारा तुमको मिल जाएगा वो, हाँ उसको नोट करना, ठीक है। सुनिधि कोई दिक्कत यहाँ और कुछ पूछना है इसमें? पैकेजिंग खत्म हो गया? नो सर। न्यूक्लियोसोम समझ गया ना, न्यूक्लियोसोम कैसे हुआ, ये कैसे बाइंड किया, ये क्या है, हिस्टोनोक्टामर, सब ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल में पैकेजिंग से क्वेश्चन पूछता है और एकेडमिक में भी पूछता है, ठीक है। तो क्योंकि सर फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है सर, बाकी सारा इजी है। क्या बोलो सर? जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स था ना वही, हाँ, थोड़ा टिपिकल है सर, बाकी सारा इजी है। वीडियो रुक गया सर। ठीक है, इसलिए हम बोले कि इस दोनों चैप्टर में तुमको जैसे मान लो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर मान लिया लिंकेज वगैरह में फिर से प्रॉब्लम हो, लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, वो सब फिर से हम रिवाइज कराएंगे, ठीक है ना। तो इसको खत्म होने देते हैं, यूनिट खत्म होने के बाद हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, एक दो क्लास तक कर लेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया तुमको पैकेजिंग ऑफ सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डील करेंगे वो है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो तो पिछला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग ऐसे ही हम तुम लोग को बताए थे कि जेनेटिक मटेरियल के लिए डीएनए होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है। तो एक्चुअली में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि आखिर डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों बोला गया, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसको समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग
प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल जो कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ये कब दिया सर? 1829 में दिए थे, एक नाम देख लें, सॉरी 1928, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो इसमें ध्यान देना, ये बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे, समझना, ठीक है, क्या होता है नहीं होता। सबसे फर्स्ट में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में दो चीज था, वो क्या था कि एक तरफ वो बहुत सारा माइस को लिए और दूसरी तरफ एक बैक्टीरिया लिए, और ये बैक्टीरिया निमोनिया काउज करता है, निमोनिया काउज करता था, ठीक है। अब निमोनिया काउज जो करता है तो उसका जब स्ट्रेन निकाले तो दो टाइप का स्ट्रेन निकला, एक एस स्ट्रेन और एक बोलता है आर स्ट्रेन, ये दो टाइप का। तो इसका जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को लिए और उसे दो स्ट्रेन निकाले, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन, और दूसरा जो जेनेटिक उनका वर्किंग का जो विशेष था वो था माइस, ठीक है। ऐसे भी माइस रैट ये सब जो होता है वो जेनेटिक वर्क में ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले वो एस स्ट्रेन वाला जो सेगमेंट था उस वो माइस में डाले, देखो माइस में क्या किए, इंजेक्ट किए, तो हुआ क्या, वो मर गया, डाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आर स्ट्रेन का जब माइस में डाले तो वो लाइव था, जिंदा था। उसके बाद एस स्ट्रेन को जब लिया और उसके बाद इसको हीट करके किल कर दिए, हीट करके क्या कर रहे किल कर दिए, तब माइस में जो डाले तो वो जिंदा रह गया। ये तीन कंडीशन तुम्हारे सामने, इसको नोट भी करना पड़ेगा, ये तीन कंडीशन तुम्हारे सामने। उसके बाद चौथा कंडीशन में क्या हुआ समझो, यहाँ पे इधर हम बता रहे हैं, ध्यान समझना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इंक खत्म हो गया। हाँ, तो तीन कंडीशन तुम्हारे सामने दिख रहा है। एक पहला कंडीशन एस स्ट्रेन प्लस माइस को डाला है तो मर गया, आर स्ट्रेन प्लस माइस पर तो ये जिंदा था, और एस स्ट्रेन को ही हीट एंड किल करके जब माइस में डाला गया तो वो जिंदा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, एक्सपेरिमेंट इधर बना रहे, ठीक है। एस स्ट्रेन जो कि हीट और किल्ड बोलते हैं, हीट करके किल किया गया, तो प्लस आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन ये दोनों को लिया, ठीक है। उसके बाद उसको माइस में डाला, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, माइस को मर जाना चाहिए या जिंदा रहना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए। जिंदा रहना चाहिए, क्यों जिंदा रहना चाहिए बताओ सर? क्योंकि जब आर स्ट्रेन दिए थे तो भी लाइफ था, और उसको हीट एंड किल करके दिए थे उसको तो भी लाइफ था, तो भी लाइफ, लेकिन यहाँ पे वो मर गया। अब उसको था कंफ्यूजन ग्रिफिथ को कि यहाँ पे जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये जिंदा है बट यहाँ पे डेड हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ, बाद में जब इसका ऑब्जर्वेशन हुआ तो उसमें क्या निकला कि एस स्ट्रेन किसी कारण से आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्या कर दिया, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहां तुम ध्यान देना,
जब एस स्ट्रेन का डाले थे तो डाइड हो गया, आर स्ट्रेन में बच गया, तो एस स्ट्रेन को बोल दिया वायरुलेंट, मतलब ये हार्मफुल है, ये जो स्ट्रेन है ये माइस के लिए हार्मफुल है, ठीक है। जब ये वाला कंडीशन आया तो कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हुआ कि हीट और किल्ड को भी डाले हम और आर स्ट्रेन को भी जब हम डाल दिए तो इसको तो जिंदा रहना चाहिए, इसको तो मरना ही चाहिए, लेकिन ये तो मर गया। तो फिर फर्दर जब ऑब्जर्वेशन हुआ तो पता चला कि एस स्ट्रेन जो होता है आर स्ट्रेन को वायरुलेंट कर दिया, वायरुलेंट कर दिया, कहने का मतलब कि वो एस स्ट्रेन का आर स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, मतलब एस स्ट्रेन का जो भी था वो आर स्ट्रेन में चला गया। फिर आर स्ट्रेन में कुछ तो हम लोग किए नहीं, तो उसको तो नॉर्मली बिना छेड़छाड़ कहीं डाले हुए थे ना, इसमें ना हम लोग हिट एंड किल्ड किए, तो हो सकता है कि, हो सकता है नहीं, ऐसा ऑब्जर्वेशन में निकला कि एस स्ट्रेन का कुछ सेगमेंट आर स्ट्रेन को पूरा इनफेक्ट वायरलेंट कर गया, जिसके कारण वो मर गया। तो इसमें किल्ड था ना, तो वो कैसे वायरलेंट, वही तो बोला, वही तो देखा कि इसमें किल्ड था, लेकिन इसमें देखो जब तक कि पूरा पूरी स्ट्रेन अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है तो वो बचा रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर वो करेगा ना तो कहीं ना कहीं वो अगला को इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें हीट किल्ड था तो ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया, उसको नहीं मार पाया, लेकिन ये दूसरा जो उसको स्ट्रेन डीएनए मिला उसको तो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर को तो चेंज कर ही सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल छोटा सा भी कुछ वो चेंज कर देगा, वो आर स्ट्रेन को ही वायरलेंट बना दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। ये जैसे का तैसे था, इसमें कुछ सेगमेंट था जो कि वायरुलेंट था तो ये इसको वायरुलेंट कर गया, इसकी वजह से नहीं मरा, इसके ट्रांसफॉर्मिंग की वजह से ये मर गया, समझ आ गया। अब देखो सर, मतलब यहाँ पे आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया ना सर? हाँ हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि एस स्ट्रेन का कुछ पार्टिकल जो है, जो वायरुलेंट तो पूरा स्ट्रेन था ना, तो उसको हिट किल्ड किया, हिट किल्ड करने में पूरा पूरी जो है वो नहीं मतलब मर पाया, आई मीन उसका इफेक्ट पूरा पूरी खत्म नहीं हुआ, कुछ सेगमेंट के कारण ये आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना और ये आर स्ट्रेन इसको मार दिया, यही था ग्रिफिथ स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मिंग। लेकिन यहां सर वीडियो रुक गया, वीडियो पॉज हो गया सर। हाँ हम देख रहे हैं उदय, एक मिनट रुको, हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेन मतलब क्या, डीएनए का स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन अलग अलग लिया गया, ठीक है। तो ये तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समझ में आ गया, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाया कि ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जिसके कारण ये वायरुलेंट हो पाया और ये मर गया, ऐसा नहीं कर पाया। तब इसका नया जो तीन साइंटिस्ट है उसका हम नाम बता देते हैं, ठीक है। एक है बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जब आया तो बायोकेमिकल मतलब भाई डीएनए का क्या नेचर है वो बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बता पाए, ये बस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बता के छूट गया। उसके बाद इसका बायोकेमिकल जो नेचर था, क्योंकि एस से आर जो वायरलेंट हो रहा था तो कहीं ना कहीं डीएनए जो है वो बायोकेमिकल नेचर दिखाएगा ही, ठीक है। तो उसके लिए तीन साइंटिस्ट है, तो वो हम नाम लिखते हैं। एक है एवरी, ठीक है, वो एनसीईआरटी में है। दूसरा है मैकलियॉड, मैकलियॉड, और तीसरा है तुम्हारा मैकलियॉड, एक है मैककार्टी, मैककार्टी। तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद इसका बायोकेमिकल नेचर, ठीक है, इसको नोट कर। सर एक डाउट है सर हमको। हाँ हाँ बोलो सर। जो मतलब निमोनिया कॉजिंग जो बैक्टीरिया था वही है ना? हाँ। सर वो उसमें तो सर एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन तो साथ में रहता ना। हाँ। तो सर उस समय आर स्ट्रेन वायरुलेंट क्यों नहीं हुआ? देखो एक्चुअली में ये तो स्ट्रेप्टोकोकस है, बट इसको अलग किया गया, इसको अलग किया गया, ठीक है, साथ में रहता है इसलिए यहाँ ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प हो गया। इसको अलग से किया, इसको अलग से किया, और अगर इसको साथ रहता तो हम लोग इसको अलग क्यों लिखते? वही तो बता रहे कि बैक्टीरिया का दो स्ट्रेन निकाला गया था साथ में ही, लेकिन दोनों को अलग करके निकाल लिया गया। अब इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक बार आर डाला तो देखा एस जो है वो वायरुलेंट सेगमेंट है इन कंपेरिजन टू आर, इससे कुछ इफेक्ट नहीं था,
ठीक है, इससे इफेक्ट था। तो ये वायलेंट मतलब ये वायलेंट स्टेज, सॉरी स्टेंड बोल सकते हो, स्टेन जो बोलते हैं हम, वो है बस। ठीक है, वही ना चीज यहाँ पे हुआ, जब दोनों को लाइट, इसमें कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग था मटेरियल जो कि इसको वायलेंट कर गया, लेकिन ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा था। ठीक है, तो बायोकेमिकल में चेंज, वही जब ऐसा हुआ तो बोले ना कंफ्यूजन हुआ, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मिंग तो था ही, कंफ्यूजन हुआ तो उसी को आई मीन बायोकेमिकल इसका जो स्टेन का डीएनए सेगमेंट या स्टेन नेचर दिखा रहा है जो कि वो तीनों साइंटिस्ट किया था, वो चीज हम बताने वाले। इसको नोट करो, इसको समझ गया ना, यहां तक समझ गया ना, बस इसके बाद ये बायोकेमिकल नेचर पढ़ेंगे, तब अल्टीमेटली पता चला कि नहीं डीएनए ही है एक ऐसा जो कि क्या है वो जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको नोट करो हम, उसके बाद उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हो गया सर, हो गया ना, चलो सर। जो, हाँ बेटा सुनि जी, यस सर हो गया, हो गया ना, चलो। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है मैकलियॉड है, हाँ एवरी, उसके बाद है मैकलियॉड, मैकलियॉड है, उसके बाद फिर है तुम्हारा उसके बाद सॉरी मैककार्ट है, मैककार्ट, हाँ मैककार्ट। ठीक है, तो ये क्या किया, तो ये सबसे पहले तीन एंजाइम को ढूंढा। ठीक है, तो सबसे पहला जो था वो प्रोटीज एंजाइम, दूसरा आरएनएज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम, ठीक है, और तीसरा था डीएनए एंजाइम। ठीक है, ये तीन एंजाइम लिया। ठीक है, उसके बाद वो जो इन्फेक्टेड माइस था उसमें ये डाला, तो प्रोटीज क्या किया, डाइजेस्टेड इंजाइम था, देखना समझना आराम से, ये तीन इंजाइम निकाला, तीन इंजाइम लिया और उस माइस में इंट्रोड्यूस किया, तो माइस देखा क्या है, वो क्या होगा, मरेगा कि जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा। ठीक है, आरएनए में आरएनए डाइजेस्टेड इंजाइम, ठीक है, मतलब समझ लो माइस से जो इन्फेक्टेड है उसमें ये काम हो रहा है, उसमें ये एंजाइम डाला तो वो मरा हुआ था, आरएनए डाला तो भी ये क्या था, डाइड था, लेकिन जब डीएनए एंजाइम डाला तो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को बोलते हैं, और यही एंजाइम डाला तो ये नो डाइड या फिर लाइव हम बोल सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो सोचो हम क्या बताए थे, एस स्ट्रेन जो हीट किल था और आर स्ट्रेन, ये दोनों को जब माइस में डाला था तो क्या हुआ था, वो मर गया था। ठीक है, तो प्रोटीन एंजाइम फिर डाला इसमें वो भी मर गया, आरएनए डाला तो भी मर गया, लेकिन डीएनए डाला तो आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन को जो इफेक्ट करने वाला था सेगमेंट डीएनए जो बोल रहे हैं, ये उसको क्या कर दिया, ये एंजाइम इसको क्या कर दिया, मार दिया, मार देने के कारण ये माइस जो मरने वाला था क्या हो गया, वो जिंदा रह गया। इससे ये पता चला कि डीएनए ही नेचर ऑफ बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये सबसे ज्यादा यूज हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन था तो जो बॉडी में था प्रोटीन वो मर जा रहा था, आरएनए था वो आरएनए डाइजेस्ट, लेकिन डीएनए सर वीडियो रुक गया।
में ही एक तरह का मैटर है या फिर मॉलिक्यूल है जो कि वो माइस को मार रहा था, और उसी इंफेक्टेड हम डीएनए को एंजाइम देके मार दिए, तो वो क्या हो गया, वो मारा नहीं, वो जिंदा था। यही था बायोकेमिकल नेचर। सर माइस जो सर ये जो तीनों एंजाइम हम लोग इंजेक्ट किए, वो सर इंफेक्टेड माइस था या फिर हेल्दी माइस? इंफेक्टेड पे, इंफेक्टेड पे। तब ना देखो, अब हमको एक बात बता, माइस है ना, तो ये तो स्ट्रेन हम डाले तो इसमें डीएनए ही तो डाले, डीएनए ही ना डाले। अब डीएनए को ही डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हम साथ में डाल देंगे, इसका जो इफेक्ट, तो मर गया ना, तो मर गया तो ये बच गया, और नहीं अगर ये डाइजेस्ट कर पाते तो ये कहां से बचता, ये तो मर जाता। तब ना ये बायोकेमिकल नेचर यही था ना, प्रोटीन का भी पता चल गया, डीएनए भी पता चल गया, डीएनए तब पता चला कि ये जो डिजीज काउजिंग है वो डीएनए के कारण, और वही डीएनए उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो मर जा रहा है, इसीलिए वो बायोकेमिकल नेचर वहां कहला रहा है। सिंपल है, समझ आया यहाँ तक? यस सर। बोलो। यस सर। ये हाँ, तो जो है ये तुम्हारा आज हम 3-4 सेगमेंट पढ़े, ठीक है, इसको पढ़ के आओ, एनसीईआरटी पढ़ो, बुक से पढ़ो, सब कुछ तुमको मिलेगा, कोई भी तरह का जहां तक कोशिश किए हैं उसको। हाँ, कुछ कुछ चीज है जो हम तुमको बुक्स में दिखाना चाहते हैं, उसको तुम बस रीड कर लेना, तुमको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो हम तुमको नहीं लिखाए हैं, देखो एक ये वाला चीज हम बोल रहे थे, देखो ये वाला द डीएनए वाला, ठीक है, ये वाला सेगमेंट पैराग्राफ ध्यान में देखो, ये चीज इसमें बस एग्जांपल है कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा है 48502 बेस पेयर, मतलब ये बस एक डाटा है, इसको याद रखना है। और दूसरा चीज ये साइलेंट फीचर, तो साइलेंट फीचर में वही है कि ये एंटी पैरेलल होता है, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड का बना होता है। दूसरा चीज है कि अपोजिट में एडेनिन थायमिन, जो जो मैं हम लिखा है, बस वही साइलेंट फीचर यहाँ पे तुमको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, तो इसको तुम कर सकते हो। हाँ ठीक है, बस। हाँ, एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर हम यूरासिल का केमिकली कंपाउंड पढ़ेंगे तो वो अलग होता है, जैसे 5-मिथाइल यूरासिल बोलते हैं उसका केमिकल नेचर, थायमिन के जगह पे जो यूरासिल होता है वो 5-मिथाइल यूरासिल होता है बस, और इसमें कुछ नहीं, एक खास चीज था एनसीईआरटी में था, बाकी बस सारा कुछ एनसीईआरटी का आप डील किए, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, नोट हो गया, नोट हो गया ना, तो आज यहाँ तक रहने दो, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो थोड़ा सा आगे पढ़ लेना, पैकेजिंग जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है, तो वो जो इस्टेरिया कोलाई में जो एक हार्से जो एक्सपेरिमेंट है वहां से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो भी, ठीक है। तो हाँ ठीक है ना, तो ध्यान से जहां तक था, जहां तक पढ़ा है वहां तक पढ़ के आ, जो नहीं समझ में आया फिर से पूछ सकते हो, और नोट्स तुम प्रॉपर अपने से बना सकते हो, पॉइंट वाइज बनाना भी स्टार्ट करो, ठीक है, और नहीं होगा तो बता देना कि हाँ सर इस पॉइंट का हमको नोट्स लिखा दीजिए, तो हम लिखवा देंगे, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि आगे का 2-3-4 टॉपिक पढ़ के आना, ताकि तुमको समझ में आए कि कहाँ से क्या पढ़ना, ठीक है। आज रहने देते हैं यहाँ तक, ठीक है।